भैया नौकरी चाहिए, राशन नहीं चाहिए, हमारे हाथ में काम होगा हम सब कमा लेंगे। ये तो भाई औरत नहीं रह पाई, रुआ आदमी क्या चलाएगा। मंदिर हमें नहीं चाहिए साहब, हमें काम चाहिए, हमें नौकरी चाहिए। इस देश के नेता अपने अपने गाँव का विकास कर देते तो आज हमको आपको कोई बेरोजगार नहीं फिरता। नमक का पैकेट आता है 15 रुपए का, उसमें तो इनने कांच दे दिया है, ये 15 लाख दे लेंगे। के नंगे हैं ये, और कुछ नहीं है इनके पास। नमस्कार, आपसे गुजारिश है यदि आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो नीचे वो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए। बटन दबा दिया, अब वहाँ एक घंटी दिख रही होगी, घंटी पर क्लिक करिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारी टीम का हौसला बढ़ेगा और हम अपने काम को और भी ज़्यादा विस्तारित करेंगे। इसके साथ ही जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे वो वीडियो तुरंत आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुँच जाएगा। और यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज लोकहित इंडिया को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, लोकहित इंडिया में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं मुझ कुमार। यूपी चुनाव में इस बार हवा किसकी है यही पता लगाने हम लोग पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले में। इटावा ज़िले का ये जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र है, यहां से अखिलेश यादव के चचा यानी कि शिवपाल यादव चुनाव लड़ने वाले हैं और यहाँ हम लोगों से बात करेंगे कि किन मुद्दों पर ये लोग वोट करेंगे और यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, किसको चाहते हैं ये लोग और यूपी में सरकार किसकी चाहते हैं। अभी चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार हवा किसकी है? अखिलेश यादव की पूरी तरह से। और बाबा जी का क्या होगा फिर? बाबा जी की तो हवा निकल गई। क्यों? अरे उनने ऐसा है रोजगार दे दिया है रात को यहाँ लोगों को, दिन बिना पैसे का दिया, गाय रखाते हैं। अच्छा, रोजगार दे दिया बिना पैसे का दिया गाय रखाते रात को। अच्छा हाँ, और शिक्षा तो बिल्कुल खत्म कर दी, युवा तो सब बेरोजगार घूम ही रहे। ये बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको क्या लग रहा है किन मुद्दों पर वोटिंग होगी इस बार? देखिए, लोकतंत्र में लोगों को भ्रमित करके वोट लेना ये सबसे बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के लिए जो लोग हैं, जो वर्तमान सरकार है, केंद्र की है, प्रदेश की है, ये ऐसी सरकार है जो अपने मंतव्य को छिपाए बिना लोगों को डायरेक्शन बदल देती है, मुद्दों से भटका देती है। आज यहाँ तक मानिए आप, जो आप चतुर्थ खम्भे के जिसको कहते हैं पत्रकारिता कहते हैं, इन लोगों को मुद्दा विहीन भी कर दिया है, डायरेक्शन ऐसी दे दी है कि जिन पे आप बिना चर्चा की बातों पे चर्चा होती है, नकारात्मक सोच है, टोक फगल, मतलब ऐसे मुद्दों पर बात होती है जिनकी जरूरत नहीं, जिनकी जरूरत नहीं है। बताइए क्या जरूरत है, जिन मुद्दों की जरूरत है? हम लोग ये समरसता निभाने का प्रयास करते हैं, सभी सम्मानित व्यक्तियों का, जहाँ भाईचारा चरम पर है, एक दूसरे का स्नेह करते हैं, वहाँ जात और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाने का प्रयास करते हैं, आरोप दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन भाजपा की जो लिस्ट निकलती है, जो कैंडिडेट प्रतिद्वंदी में देते हैं, वो सारे जाति समीकरणों किन मुद्दों पर वोटिंग होगी इस बार? इस बार महंगाई, बेरोजगारी और विकास के नाम पर। रुक जाइए चाचा, आप पहले आप ही से बात कर लेते हैं, आप बहुत परेशान हैं। क्या मतलब ये कह रहे हैं, ये देश का प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बहू नहीं चला पाई, गवर्नमेंट नहीं चला पाई, दुनिया का हफ्ता तक दिया है तो देश तो क्या चलाएगा? ये तो अपनी औरत नहीं रह पाई, रुआ आदमी देश क्या चलाएगा? 10 साल से चला तो रहे हैं, 10 नहीं चला रहा है, वो बेईमानी हो रही है युवा में, मशीनों में बेईमानी हो रही है। चाचा आपको क्या लग रहा है किन मुद्दों पर वोटिंग होगी? वोटिंग सही हो रही है, सही होगी। हम किसान हैं, मरे जा रहे, रात दिन गैया रखा रखा है, कोई इस सरकार से नफा नहीं मिला कतन। हम हमेशा मतलब आवारा पशुओं से बहुत परेशान है, बहुत परेशान, विशेष परेशान। आपको क्या लग रहा है? पढ़ता हूँ तो समाजवादी, रोजगार नहीं मिला। अच्छा, रोजगार भी नहीं है? रोजगार नहीं, सब पढ़े लिखे लड़के मर रहा है। क्या लग रहा है चाचा? वोट कहीं मिली नहीं, किसको नहीं मिलेगा? जो मोदी है और जो बाबा है तेने, हाँ, लोगों को वोट नहीं मिलेगा ना। कह तो रहे हैं कि 350 सीट लाएंगे। कौन? बाबा देव कहे हमारे 2000 सीट लाओ, कोई बात है 2000 तो सीटें नहीं लेंगे ना, बात तो चलो ना कहो। अब बीजे कैसे तीन से सीटें नहीं आएंगे? पिछली बार आई 325 आई है, तीन धोखे में आई गई थी, धोखे में। अच्छा, आप लोग भी धोखे में आ गए थे क्या? हमें नहीं धोखे में आई गई थी, यहाँ तो आई नहीं जनता। इस बार अखिलेश को 325। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, जो कह रहे थे अब की बार इलेक्शन जो है
बेरोजगारी, महंगाई और विकास के नाम पर होगा। तो ये विकास का मुद्दा तो बीजेपी लेके आई थी? नहीं, कहाँ आई थी, क्या क्या विकास किया कि नहीं किया? आज बजट में क्या विकास आओ, आज बजट जो पास हुआ है क्या किया है, छोटे वर्ग के लिए क्या है, टैक्स कटाए जाइए, भाजपा वालों के पास कोई पांच काम हो तो गिना दे हमें। ये तो आपने हमारा नहीं दे पाई, ये तो आपने हमारा सवाल छीन लिया। खाद इनने नहीं दे पाई, हम साहब ग्रेजुएशन करे बैठे हैं, भटक रहे हैं, ये सब हंस रहे हैं आराम से, काम तुमने नहीं दे पाया कुछ, क्या किया क्या है तुमने पाँच साल में? मंदिर हमें नहीं चाहिए साहब, हमें काम चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, हमें मंदिर से कोई मतलब नहीं, हम पूजा घर में भगवान को बैठा लेंगे, मेरा जहाँ मन होगा वहाँ पूजा कर लेंगे बैठ के। तुम पांच काम गिना दो, जूता जहाँ जा रहे हैं वहाँ जूता पड़ रहे हैं, किसको? भाजपा वाले प्रत्याशी बताओ, अभी कल का ही बता दें, और अय्या में वो कोतवाली में बैठ के घर आ रहा था आराम से, पंडित जी को, कोई पंडित जी थे उनको गालियाँ दे रहा था, यही किसनी में परसों जूता मार के भगा लिए गए हैं बीजेपी कैंडिडेट को। कासगंज में वीडियो अभी लीक चल रही है खूब अच्छी खासी, और गुंडे की बात करते हैं ये, अभी यहीं से कैंडिडेट नहीं मिल रहे इनको, यहाँ से तो कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। बात करें अगर विकास की, कहाँ विकास किया, क्या किया इन्हें पाँच साल में, जो सब एक भी एक बता दें, जो सब बैठे हैं, सब जो घूम रहे हैं, सब जो देखो सब ग्रेजुएट भी कर रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ है, कोई एक एक अगर नौकरी। क्या लग रहा है चुनावी मुद्दा क्या होगा इस बार? इनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए इन्हें कोविड ला दिया है। अखिलेश यादव जहाँ जा रहे थे वहाँ आराम से लाखों की भीड़ हो रही थी, इनको भीड़ मिल नहीं रही थी, इनको जूते मिल रहे थे जहाँ जा रहे थे वहाँ जूते मिल रहे थे इनको। साहब कोविड लग गया, हम प्रचार ही नहीं करने देंगे, घर पे बैठो, मीडिया के थ्रू जाओ, मीडिया के थ्रू तो सीधा सा है, 350 चल रहे हैं, पिछली बार इनकी मशीनें कितनी पकड़ी गई थी आप लोग बताओ, आप लोग बताओ कितनी मशीनें पकड़ी गई थी, ट्रक पूरे भरे निकले थे मशीनों के, यही भिंड था, ये प्रांत तो चलो दूसरा है लेकिन भिंड था, यहाँ पूरी भी में सब सेट थी, वोट डाल रहे थे हम कांग्रेस को, जा रहा था भाजपा को। क्या पांच मुद्दे अगर तुम्हारे पास होते? योगी बाबा कह रहे हैं, प्रचार करवा रहे हैं कि 4.5 लाख सरकारी नौकरी, वो प्रचार कर कहाँ रहे, प्रचार कहाँ पड़ रहा है, उनके तो जूता है, उनका प्रचार चल ही नहीं रहा है, 4.5 लाख ज्यादा ये गैया घेरो, आप हमारे गाँव में आए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से हम ये कह रहे हैं, हमारे नेताजी पर हमेशा आरोप लगे कि अखिलेश और जब सरकार रहती है तो सेफ ही विकास होता है, शायद इस देश के नेता अपने अपने गांव का विकास कर देते तो आज हमको आपको कोई बेरोजगार नहीं फिरता। इससे ये बात आपकी अच्छी है। हाँ, ये सीख लेनी चाहिए कि एक नेताजी ने अपने जन्मभूमि पर क्या किया, प्रत्येक नेता को लेनी चाहिए, अगर प्रत्येक नेता ये सीख ले ले तो कोई भारत में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या है कि नेता कहते कुछ है, पीछे कुछ और होता है। योगी जी ने एक संत थे, उनके लिए जो संत हो जाता है उसके लिए सर्व समाज एक होता है। अब एक वीडियो लीक हो रहा है कि हम ठाकुरम पैदा हुए छत्रीवंश में, हमें गर्व है, जब तुमने और अजय बिष्ट नाम ले दिया, एक दिन पत्रकार वो नाराज हो गए, प्रेम शुक्ला जो कह रहे थे वो नहीं थे MI के वो प्रवक्ता बकारी, उनसे कहे यार ये सुअर बोल रहा है, अरे भाई तुम मतलब इतने ऊंचे पद पे बैठे और एक व्यक्ति को किसी को हूट करो तो अच्छी बात नहीं है। तो विकास अगर कर रहे हो तो अपने अपने क्षेत्र का करते तो भी हो जाता, तो ये विरोध अगर क्यों फिरते? नेताजी ने अपनी जन्मभूमि विकास किया, प्रत्येक कार्यों में काम चला है, कागजों में कोई काम ही नहीं, कोई जमीन पे कागज काम आया ही नहीं है, कागजों के अलावा कहीं कोई पांच काम ये गिनाने लायक होते तो ये आज जो माइक के थ्रू प्रचार कर रहे हैं वो न कर रहे होते। अच्छा एक बात बताइए, अगर चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम का मामला गहरा जाए और कहीं कुछ 3-5 हो जाए, समझ रहे हैं आप लोग जी, तो क्या होगा, वोट बदल जाएगा कि सब कुछ ऐसे ही? सही बात ये है कि हिंदू मुस्लिम होने वाला भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुनिया पूरा पूरी प्रदेश हमारा जो है बेरोजगारी महंगाई इस तरह तो रहा है। पिछली बार तो हुआ था, पिछली बार हुआ नहीं है, यही लोग करते हैं, करता कौन है, हुआ नहीं है, हुआ इसलिए था कि मोदी जी ने जब सरकार 14 मई थी उन्होंने ये कहा था कि 1 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 2 करोड़ उसके 15 लाख वहाँ में, तो भोली जनता के दिमाग में 15 लाख रुपए हमारे आए हैं तो हमें दिक्कत का, तो अभी 15 लाख का इंतजार है आपको? 15 रुपए का नमक का पैकेट आता है 15 रुपए का, उसमें तो इनने कांच दे दिया है, ये 15 लाख दे लेंगे के नंगे हैं ये, और कुछ नहीं है इनके पास। क्या बात कर रहे हैं, बात यही करनी है और क्या करें साहब, खिसियाने बैठे हम तो, सीधी बात है, देखो नौकरी नहीं मिल पा रही है, कहीं काम नहीं मिल पा रहा है, कोई IT सेक्टर में काम नहीं है, कहीं भी कुछ भी काम हो इनके पास हमें बता दे, 10 काम गिना दे कि मैंने पूरे 5 साल में ये 10 काम आप लोगों के लिए किए हैं। कहता तो है कि शौचालय दिए हैं, हाँ शौचालय दिए, अब एक बात बताओ, आप बताओ शौचालय दिए, शौचालय हटना ये पड़ा है, शौचालय आपका एक वो देखो वो कुन्ने में पड़ा है, इनमें हम क्या करें, इनमें नौकरियां ढूंढे जाके अंदर
बैठ के, इनमें नौकरियां ढूंढे जाके हैं, इनमें नौकरियां बताओ, आप बताओ आवास इनमें अभी तो दिया है। अरे भैया आवास कहाँ दिए, जो पूरा गांव खड़ा, किसी को आवास मिला? बहुत सारे लोगों को आवास मिला भी है। एक 3700 की ग्राम पंचायत मेरी गिंजा 3700 की ग्राम पंचायत है, किसी अगर 3700 में से किसी एक को अगर कोई आवास मिल गया हो भाजपा सरकार में, तो आप हमें मिलवा दो उसको, किसी एक को। अच्छा ऐसा है कि यहाँ आवास, हम ये कह रहे हैं किसी एक को मिल गया हो। अच्छा राशन वगैरह मिला उससे? राशन भैया नौकरी चाहिए, राशन नहीं चाहिए, हमारे हाथ में काम होगा हम सब कमा लेंगे, जो नौकरी हमारे पास नौकरी होगी हम सब कमा लेंगे, हमें नौकरी चाहिए, हमें काम चाहिए, ठीक, पकौड़े नहीं तलने हैं ना, हमें चाय बेचनी है, प्रधानमंत्री बनना है। अच्छा बीजेपी के लोग कहते हैं हमने 370 हटा दिया, 370 हटा दिया आपने, 370 से पहले, अब बात खत्म करो यहाँ भी, आप कांग्रेस के सरकार का रिकॉर्ड उठा लो और अभी का उठा लो, शहीद कौन से सरकार में ज्यादा कर मरवा दिए इनने सबके, क्या बात करते हैं ये, इनने छोड़ा किस लायक है, ये हर जगह पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। वो एक ने रोटी की शिकायत कर दी थी, उस बेचारे को सस्पेंड करके घर भेज दिया, उसका लड़का मर गया शायद, इनके खिलाफ फिर वो हम चुनाव भी लड़ा, ये क्या बात क्या करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं इनने, ये सही बात तो ये है, ये सिर्फ घंटे ही बजाने लायक है, इनके पास घंटा बजाने के अलावा कोई काम नहीं है। मीडिया कितनी भाई है, हम ये कह रहे हैं अयोध्या में कांटो मंदिर बनाए, नहीं आप बताओ अयोध्या में कांटो मंदिर बनाए, पूरा पैसा ईओडी बाबा उत्तराखंड में ले जा, कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो लीडर हैं, यहाँ तक के प्रधानमंत्री जी जो देश की सम्मानित कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उन्हें अपनी गरिमा के विपरीत काम करते हैं आम पब्लिक देखती है। उदाहरण के तौर पर अब तक की नज़ीर ये रही है कि जो प्रधानमंत्री रहा है उसने पार्टीगत वोट कभी कम मांगा है पहली परिस्थितियों में, और हमारे प्रधानमंत्री जी अपने पार्टी का सिंबल लेके विधानसभा तो अलग की बात है, बताओ चले जाए छोटे छोटे डोर टू डोर, तो ये चीज़ें नहीं है। जो जनप्रतिनिधित्व होता है उसका राष्ट्रीय चिंतन होता है और उसको पार्टी से ऊपर हटकर राष्ट्र हित के, जो पार्टी इससे सर्वनाक बात और क्या हो सकती है कि जो पार्टी राष्ट्र हित के नाम पर विश्व में अपना स्थान देने का प्रयास करती हो, वो राष्ट्र के नाम पर उन गरिमाओं को भी तार तार करती है। कौन से गरिमा को तार? भाई प्रधानमंत्री का पद है, एक संवैधानिक पद है, मेरा तो व्यक्तिगत ये मानना है कि जब तक देश प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के संवाधिक पूरे देश के मंत्री हैं, पार्टी विशेष के तो नहीं है, पार्टी फोरम पर उनको अपना पार्टी के कार्यक्रम पर संदेश देना चाहिए, और वहाँ षड्यंत्र और कूटनीति और ये सारी चीज़ों को भ्रमित करके ये अच्छा नहीं लगता। तो ये इटावा जिले के जसवंत नगर विधानसभा क्षेत्र से हमने लोगों से बातचीत कर ये जानने का प्रयास किया कि यूपी चुनाव में इस बार हवा किसकी है, किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे। यहाँ आपने देखा कि नौजवानों के बीच ज़्यादा नाराजगी है, ये पूरे प्रदेश की स्थिति यही है, आप पूर्वांचल से लेकर अभी हम लोग इटावा मैनपुरी के क्षेत्र में हैं, यहाँ भी आप देख सकते हैं, तो बेरोजगारी चरम पर है और नौजवानों के बीच काफ़ी नाराजगी है। देखना यह है कि ये नाराजगी चुनाव में वोटों में कितनी तब्दील होगी। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, आपसे गुजारिश है यदि आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो नीचे वो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा दीजिए। बटन दबा दिया, अब वहाँ एक घंटी दिख रही होगी, घंटी पर क्लिक करिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, हमारी टीम का हौसला बढ़ेगा और हम अपने काम को और भी ज़्यादा विस्तारित करेंगे। इसके साथ ही जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे वो वीडियो तुरंत आपके मोबाइल फ़ोन तक पहुँच जाएगा। और यदि आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज लोकहित इंडिया को लाइक करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।